हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्म बीट। वेल दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर में अब आपसी में लोगों के बीच हो रहा है कलेश। जी हाँ, जैसे कि हमने देखा, शमिता शेट्टी ने लगाई राकेश बापट को लताड़। जी हाँ, उन्होंने राकेश बापट को डांटा और साथ ही में उन्होंने उनको ये भी कहा, सुसु को लेकर हुई थी घर में बात। जी हाँ, जब वो जा रहे थे तो उसके बाद शमिता ने भड़कते हुए राकेश को कहा कि आई डोंट केयर वेयर अ डायपर और यूज अ डायपर, और ये सब उन्होंने उनको, लेकिन इस टोन में नहीं कहा कि वो प्यार से उनको समझाए, बल्कि उन्होंने ये गुस्से के बीच में कहा और दोनों के बीच जो हमने देखा वो हो गई है झड़प। जी हाँ, हम वैसे ही देख रहे हैं कि ऑलरेडी घर के अंदर दो स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन चुके हैं। एक तरफ जहाँ पर हम प्रतीक को देखते हैं, निशांत को देखते हैं, अक्षरा को देखते हैं और उनके साथ मूस, और दूसरी तरफ घर के बाकी सारे लोग। लेकिन उनके बीच में जो है प्रतीक के टीम के बीच में हमें दिखता है कि एक दूसरे के लिए सपोर्ट है, कम झगड़ा है लेकिन स्ट्रांगनेस है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनका भी इतना बड़ा ग्रुप है लेकिन इसमें आपसी में ही ग्रुप में झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके भी ग्रुप अब और डिवाइड हो सकते हैं। वेल, अभी तक तो सिर्फ बिग बॉस के घर में एक हफ्ता हुआ है, अब ये देखना है कि आने वाले वक्त में और कितने इक्वेशन बदलते हैं। वेल, आप लोग मुझे बताओ आपको क्या कहना है। जिस तरीके से शमिता और राकेश के बीच अब नोकझोंक हो रही, क्या आपको लगता है कि बहुत जल्दी अब ये दोनों टूटने वाले हैं या अलग अलग होंगे, या फिर इनका ग्रुप अब जो है उसमें और हिस्से डिवाइड होंगे। वेल, आप लोग मुझे बताओ किसका गेम आपको सही लग रहा है, राकेश बापट या शमिता शेट्टी, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों गलत खेल रहे हैं। वेल, आपका कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये भी पॉसिबिलिटी पसंद आ रहा है तो वो भी बताइए, और सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्म बीट।